नमस्कार, रजनी किचन एंड गार्डन में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं प्लांट की। आज बारी क्योंकि प्लांट की है, पीछे मैंने रेसिपी की वीडियो डाली थी, तो आज प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट में सबका मन पसंदीदा प्लांट होता है एरिका पाम, क्योंकि एरिका पाम बहुत ही हरा भरा होता है। यह आपको पार्कों में, पार्किंग में और भी जगह दिखाई देता है, जैसे मॉल्स के बाहर या इंडोर में भी आपको एरिका पाम दिखाई देता है। यह बहुत सारे साइज में होते हैं, छोटे साइज में, जैसे मेरे पास में छोटा साइज भी है, ये वाला छोटा साइज है, ये आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और ये है पार्क, जो कि बिल्कुल मेरे घर के सामने ही है, मेरे बिल्कुल घर के गेट के सामने इस पार्क का गेट है। तो ये वहाँ भी लगाए हुए हैं, इन्हें अभी 5-6 महीने हुए थे कि यहाँ पाम के प्लांट बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, और उससे फिर यहाँ और भी छोटे निकाल के दूसरी जगह में लगाए गए हैं। तो एरिका पाम को हम ऐसे ग्रो कर सकते हैं, रूट से ही ग्रो कर सकते हैं, जैसे बरसात में या फरवरी के मौसम में या अक्टूबर में। तो इसे हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं, इसी से एक अनेक पौधे बना सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही खूबसूरत होता है और यह हरा भरा रहता है। तो चलते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एरिका पाम सनलाइट एरिका पाम को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, मॉर्निंग के 1-2 घंटे की धूप इसके लिए बहुत होती है। बहुत तेज़ धूप होने में इसके पत्ते जल जाते हैं, और अगर आपने इसे इंडोर में रखना है तो इंडोर में आप इसे 5-6 दिन में एक बार सनलाइट अवश्य दिखाएं। मॉर्निंग की तेज़ धूप में इसे बिल्कुल भी ना रखें। जब भी आप इंडोर में कोई भी प्लांट लगाते हैं और जब उसे आप सन दिखाते हो, तो हमें बहुत मॉर्निंग वाली धूप उसे दिखानी चाहिए, नहीं तो तेज़ धूप में वहाँ जल सकता है। और यहाँ जैसे पार्क में लगे हुए हैं, तो पार्क में भी इन्हें खूब अच्छी से सनलाइट मिल रही है, मॉर्निंग वाली, तेज़ धूप वाली नहीं। और यहाँ मैंने जैसे गमले में लगाया है, तो गमले में आप इसे देख सकते हो कि इसकी लीव्स से काफ़ी पीली सी पड़ रही है, क्योंकि यह धूप में है। तो यहाँ तेज़ धूप में रखा हुआ प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, अब मैं इसे सेडी प्लेस में ज़रूर रखूँगी, क्योंकि अभी तक बारिश हो रही थी इसलिए मैंने इसे बाहर रखा था, और इसी से मैंने ये दूसरे गमले में भी लगाया था। और आपको इसमें पानी देना है 2-3 दिन के बाद देना है, जब इसकी सॉइल आपको सूखी लगे तभी इसमें पानी डालिएगा। ज़्यादा पानी देने से इसकी रूट्स ख़राब हो जाती है, और इतने विंटर्स में 10-15 दिन के अंदर आप इसमें पानी दे सकते हैं। और यहाँ तो आप चेक कीजिए इसकी सॉइल, अगर जो इसकी सॉइल बिल्कुल सूख गई है तो आप इसमें पानी दें। और अब बात आती है सॉइल कंपोस्ट की। तो सॉइल कंपोस्ट, जैसे कि मैं तो अपने घर के ही देती हूँ सॉइल कंपोस्ट, जो भी वेजिटेबल्स होते हैं उसके पील्स वगैरह का कंपोस्ट बना करके मैं अपने पौधों में देती हूँ, उसी से मेरे पौधे बहुत अच्छे से हरे भरे हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ डायरेक्ट ज़मीन में लगा हुआ है, तो ज़मीन की तो बात ही कुछ और होती है। और यहाँ मेरा गमला, जिसमें मैंने अभी बरसातों में इस वाले गमले से निकाल करके उसमें लगाया था, यहाँ सीड से भी ग्रो हो जाता है। इसके सीड्स नर्सरी में मिलते हैं, लेकिन सीड से स्लो प्रोसेस होता है। सीड से लगाने का सबसे आसान तरीका होता है कि बरसात में आप ही इसकी रूट को निकालें, या तो और भी मौसम में आप इसे निकाल सकते हैं, अक्टूबर और फरवरी के मौसम में इसे निकाल सकते हैं और दूसरे गमले में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ भी बड़े वाले उससे निकाल के इस पार्क में लगाया हुआ है, जो आपने अभी देखा था बड़ा सा पौधा, उसी पौधे से इसमें भी लगाया गया है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा सा पनप रहा है, और मैंने भी ऐसे किया कि अपने एक गमले से दूसरे गमले में भी पाम लगाया, तो वहाँ भी बहुत अच्छा ग्रो होने लग गया है।
बहुत ही खूबसूरत लगते हैं यह पांव। इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है, खास तौर से उन जगहों में जहां पॉल्यूशन की समस्या बनी हुई होती है, जैसे दिल्ली, क्योंकि यह पौधा बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग होता है, तो इसे ज़रूर ही लगाना चाहिए। इससे आसपास का वातावरण बहुत ही अच्छा और शुद्ध हवा देने वाला होता है, तो आप इसे अवश्य अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हो। हवा बहुत ही अच्छी आती है, छन करके आती है इससे, अगर जो इसे आप अपने ग्रिल के आसपास में 3-4 गमलों में लगा करके रख देंगे, तो यह प्रदूषण रहित भी होता है, प्रदूषण को ख़त्म भी करता है यह प्लांट, तो आप इसको ज़रूर से लगाइए। और इसकी लोकेशन इनडायरेक्ट लाइट, तो क्योंकि इसे लाइट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती है और कम लाइट में भी यह ख़राब हो जाता है, कम लाइट की वजह से यह सूखने लग जाता है, तो आप इसे इनडायरेक्ट वाली लाइट दीजिएगा। मॉर्निंग वाली लाइट बहुत अच्छी होती है इसके लिए, आप मॉर्निंग में इसे 2-3 आवर्स बाहर रख दीजिएगा, तो यह पौधा बहुत ही हरा भरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसे, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, धूप की आवश्यकता नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, तो आपको बस ये थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। और इसका आप जैसे छोटा पौधा बनाना चाहते हैं, तो या तो नर्सरी से ले आएँ, या तो इसी से ही एक छोटा सा आप पौधा निकाल करके आप छोटे गमले में लगाएं। मैं तो छोटा सा पौधा नर्सरी से ही लेकर के आई थी, तो वो बहुत ही अच्छा हो गया है। तो आप इसे छोटे से गमले में लगाएंगे तो वो छोटा से ही होगा, जैसे यहाँ। और यहाँ मेरी विंडो है जिसमें यह पौधा रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है यह पौधा अंदर से दिखने में। अगर आपके पास यह पौधा नहीं है तो आप ज़रूर से इसे लें और सुंदरता बढ़ाएं, हरियाली बढ़ाएं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको जानकारी थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे की वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है जब जब एक एक सब्सक्राइबर भी बढ़ता है। यह कमेंट और लाइक से बहुत ही अच्छा फील होता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा दिखा रहे हैं या कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। तो फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।